जम्मू कश्मीर के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से हमारी सरकार की फंक्शनिंग पर एक कुछ और ऑब्जर्वेशन आई हैं, उसको लेकर और बाकी जो इश्यूज हमने अलग अलग समय पर रेज किए हैं हमेशा सभा की तरफ से, वो लेकर हम आपके सामने आए। हाई कोर्ट ने अभी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का जो ऑफिस टाइमिंग है उसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन दी हैं और ये फैसला किया है कि उनका टाइम जो है वो एक होगा और वो होगा 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि 92 साल पुराना चल रही थी, उनको समय पूरा नहीं मिलता था, उसको लेकर फैसला किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने फैसला दरबार मूव के बारे में किया था, हमने स्वागत किया और गवर्नमेंट से अपील की थी कि ये इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता और ये 1872 की जो प्रथा चल रही थी और आज जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको बंद करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस दफ़ा दरबार जम्मू में भी रखा। लेकिन हम हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी, जो मुद्दे उन्होंने उठाए, उनको सामने रखते हुए मांग करते हैं कि ये बाकायदा तौर पर सेक्रेट 12 महीने दोनों जगह फंक्शन करे, क्योंकि 600 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर बिल्कुल वेस्ट होता है, ये फंड्स वेस्ट होते हैं और इसके अलावा 7 महीने भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग नहीं होती पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके लिए। और तीसरा हमने ये कहा था, ये डोमेसाइल जो अब रूल्स बने हैं उसका हमने स्वागत किया और बड़ा अच्छा किया उन्होंने, जिस तरीके के रूल्स बनाए हैं, किस किस को डोमेसाइल यहाँ लेने का हक होगा, जो सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, किसको डोमेसाइल हम करार देंगे। लेकिन हमने ये कहा कि उसमें एक बहुत बड़ी इन्होंने भूल की है, जो हमने मांग की है कि एक जो हमारे गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनको हिमाचल के अंदर, उनको डोमेसाइल माना जाता है, उनको डोमेसाइल वहाँ पर कंसिडर करते हैं, वो वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और उसी लाइन पर यहाँ भी जो हमारे गारंटी अवार्डीज हैं उनको उसमें शामिल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो शहीद हुए हैं, यहाँ शहीद हुए हैं मार्टियर्स जो हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी, अगर आप बाकी वालों को 15 साल का 10 साल का इस तरीके से रख रहे हो तो उनको भी यहाँ पर डोमेसाइल करार देना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने ये भी मांग की कि आप कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर मज़ारे शौदा के नाम से, वहाँ उस वक़्त जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जो कुछ हुआ महाराजाओं के टाइम, और उनके नाम पर तो आपने वो एक वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया हुआ है, लेकिन 5000 से ज़्यादा जो हमारे लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं उनके नाम से एक बिफिटिंग मेमोरियल कश्मीर के अंदर होना चाहिए, वो हमने मांग की है। क्योंकि अगर वो बिफिटिंग मेमोरियल बनाएंगे, एक प्रेरणा का स्रोत तो वो सबके लिए होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ उनकी फैमिलीज़ हर साल जब भी एनिवर्सरी उनकी आती है, शहीदों की डेथ एनिवर्सरी या शहादत दिवस आता है, उस दिन वो वहाँ पर आएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये हमने उसके लिए 3 चीज़ें डोमेसाइल के लिए कहा है। और इसके साथ साथ हमने ये कहा है कि आप बड़ा अच्छा आपने रूल्स बना दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो गिलगित बल्तिस्तान उधर बुरी हालत लोगों की हो रही है, पीओजे की बुरी हालत हो रही है, उनके बारे में आप कमिटेड हैं, आपने पार्लियामेंट में पास किया हुआ है, आप उनको शामिल करके और हमारी जम्मू कश्मीर रियासत पूरी उसी ढंग से रेस्टोर करें, ये हमने उसके लिए मांग की है। और इसके साथ साथ हमने ये कहा है कि आप फ्रेश सेंसस करवाओ, आप डिलिमिटेशन करवाओ और उसके बाद इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सकता है वो आप इलेक्शन करवा के पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर बहाल करो। और अगला इशू जो बार बार डोगरा सदर सभा लेती आई है और हम यहाँ भी और सेंटर में भी हमने बात की और सेंटर की और यहाँ की गवर्नमेंट भी उसको मानती है कि हमारा हेरिटेज ख़त्म हो रहा है, अब फिर बरसात हमारे सर पर आ रही है, इस दफ़ा ये हमारा हेरिटेज मुबारक मंडी हो बाकी हो वो बचने वाला नहीं है, उसके लिए स्पेशल इंतजाम करें कि
कई दफ़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुई, सब कुछ बातें हुई, एडवाइजरेंस हुई, गवर्नर से हुई, और हर एक ने ये कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल जो हेरिटेज है इसको बताना बचाना ज़रूरी है। आज डोगरा आर्ट म्यूज़ियम का बुरा हाल है, आर्काइव्स का बुरा हाल है, और पैसा जितना रखा गया उसका हिसाब तो बताएं कहाँ खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है। और एक और इसके साथ साथ हमने डोगरा कल्चर को दर्शाने के लिए यहाँ का भाईचारा, यहाँ का आपसी प्रेम जो है उसको दर्शाने के लिए जो बेहतरीन चीज़ है, पूरी दुनिया में ऐसा गुलदस्ता नहीं मिलता, हमने जम्मू फेस्टिवल शुरू किया था। अब उन्होंने आस्ता 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 15 दिन के लिए किया था, अब आस्ता आस्ता वो ख़त्म होने की डगर पर है। ये एक ये इशू है। और अगली बात, ये सेक्टर के पास रोड है, हमने ये भी इशू बार बार उठाया, हर लेवल पर उठाया, मानते हैं कि ये गलत है, शहर दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो इसलिए आज आपके माध्यम से इन सारे इश्यूज़ को लेकर जो एजिटेट करती आई है हमारी डोगरा सदर सभा, और इसके ये सारे इश्यूज़ प्रोजेक्ट करती आई है सामने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, आज आप जम्मू के उन सब लीडर्स को, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब सिविल सोसाइटी को अपील करते हैं कि उठो, जागो, एक प्लेटफार्म। और आज लद्दाख की मिसाल देखो, एक प्लेटफार्म पर उन्होंने बैठ के लद्दाख के लिए सब कुछ उन्होंने जो उसकी डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हम बटे हुए हैं, तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स ऐसे मत चलाओ। हम डोगरा सदर सभा की तरफ से आपको अपील करते हैं कि आप आइए, और जो पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती उसका दफ्तर जम्मू में बंद कर दीजिए। आए दिन डोगरा डोगरों के नाम पर, जम्मू के नाम पर बातें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये बात नहीं की जा रही। आज डोगरा आज तंग आकर हम आपके माध्यम से सामने आके सारे उन नेताओं को हम ये अपील करना चाहते हैं। और लास्ट में मैं सारे आदरणीय पत्रकार बंधुओं को भी अपील करना चाहता हूँ कि इतनी शानदार रेस को, ऐसी नस्ल को, ऐसी देशभक्त ताकत को, इसके लिए, इसको बचाने के लिए, इसका कल्चर बचाने के लिए, यहाँ का भाईचारा बचाने के लिए अपना रोल अदा करो, अपना योगदान दो, क्योंकि आपके माध्यम से जो चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं वो नहीं पहुँच पा रहे। बड़ी बदकिस्मती है कि अलग 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 तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। आप भी ज़रा ये देख कर कोशिश करो कि हमारे इस युद्ध में, जो एक जम्मू कश्मीर के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक फ़ायदेमंद है, एक लाभदायक है, उसके लिए आप भी शामिल हो और हमारा साथ।